एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। और मैं कर रही हूँ व्लॉग। काफ़ी लेट स्टार्ट किया है मैंने व्लॉग। मैंने ऑलरेडी शार वगैरह सब कुछ ले लिया है, तो इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock और अभी लंच की प्रिपरेशंस चल रही है। तो मैं सोचा था सुबह जल्दी व्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट देन फिर आज होता ना एकदम लेजी, मेरा बेड पे से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वही सब अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एज़ यू ऑल नो, डेली कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज़ सुनने को मिल जाता है कि भले ही हम यहाँ न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, हम कहीं पर भी न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, बट अभी रिलेटिव्स फ्रेंड्स इनके से कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल जाती है कि आप थोड़ा सा डर जाते हो, मूड वैसा हो जाता है, एकदम सैड उसमें पहुँच जाते हैं। तो आज मैंने थोड़ा कुछ मोबाइल को हाथ नहीं लगाया सुबह से, एंड मैं आराम से बैठी हुई थी, जस्ट ऐसी चिल मार रही थी, थोड़े ऐसे क्यूट वीडियोस देख रही थी फनी वाले। एंड एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी लोगों से, क्योंकि ये जो ऐसा टाइम चल रहा है ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मुझे सब देखो एज अ ह्यूमन मैं खुद भी परेशान होती हूँ जब मैं नेगेटिव न्यूज़ देखती हूँ, बट फिर मैं ये सोचने लगती हूँ, जैसे मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं जो हेल्प के लिए होते हैं या कुछ फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं जिनको अगर मैं स्प्रेड करूँ अपने थ्रू तो काफ़ी सारे लोगों की हेल्प होगी। आई नो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया से दूर रहो, ये रहो वो रहो, अंडरस्टैंड, ठीक है। हम लोग तो अभी अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, लग्जरी में बैठे हुए हैं, दिस इज़ लिटरली अ लग्जरी राइट नाउ, तो आराम से घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो ठीक है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सबको होता है, दैट्स नॉर्मल। सोशल मीडिया पे जो आपसे हेल्प मांग रहे हैं, जो चीज़ें शेयर करने लायक हैं, उनको डेफिनेटली शेयर करिए, पॉजिटिव चीज़ें शेयर करिए, बट शेयर करिए। और मुझे ना जब जब भी मैं मैंगो शेक पीती हूँ तो मैंगो शेक से मुझे पिंपल्स ज़रूर होते हैं। लास्ट ईयर भी सेम चीज़ हुआ था। नो मैटर वॉट, हम लोग उसको पानी में गला के रखते हैं, होता है ना वो 2-3 घंटे उसको पानी में रखना रहता है उसकी, ताकि हीट निकल जाए, वो भी करते हैं, बट स्टिल होता है, तो ठीक है वो मुझे पिंपल्स वगैरह हो गए उसकी वजह से। तो आज हम लोग ये वाला जो पूरा रूम है ना, ये एकदम ऐसे स्टोर रूम की तरह इसको यूज़ करते हैं, तो इसको आज थोड़ा ठीक करेंगे। हमारे पास ये गद्दा निकाल करके रख लिया है। सो एक्चुअली जब हमने शिफ्टिंग किया था ना, तब हमारे पास 3 ऐसे जो ये होते हैं ना कॉटन वाले जो गद्दे होते हैं, ये हमारे पास 3 थे, बट फिर हमको लगा कि अरे हमारा ये प्लानिंग था कि हम जब यहाँ आएंगे, मतलब यहाँ आने से पहले हमारा ये प्लानिंग हो चुका था, मेरे दिमाग में ये प्लानिंग था, मैंने विक्की से शेयर नहीं किया था। मेरे को ये था कि जो बाहर वाला सोफा कम बेड है उसको हम यहाँ अंदर कर देंगे, एंड बाहर के लिए एक अच्छा सा सोफा कम बेड वुडन वाला या कुछ अच्छी क्वालिटी का ले लिया जाएगा। बट और मैंने ये बजट लिटरली जब मैं आइकिया गई भी थी ना, तो हम तो शिफ्ट होने से पहले ही आइकिया चले गए थे, 26th को हम गए थे और हमारा शिफ्टिंग हुआ था 29th को हुआ था, तो शिफ्टिंग तब आइकिया गई और वहाँ पर सारी चीज़ें देखा, बट फिर हमको लगा, मैंने बोला जब मैं सेकेंड राउंड लगाऊंगी तब मैं आइकिया से या लोकल वेंडर से सोफ़ा ओफा जो भी मुझे बनवाना होगा, जैसा भी बनवाना होगा मैं बनवाऊंगी, क्योंकि मैंने बजट लेके रखा था मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए और जो थोड़ा अफोर्डेबल भी होता। बट देन फिर शिफ्टिंग हुआ एंड शिफ्टिंग में रियलिटी चेक समझ में आया कि अरे बाप रे, मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया था कि जब तक खुद का घर ना हो तब तक महंगी चीज़ों में इन्वेस्ट करना इज़ लिटरली नो सेंस। मतलब अब भले ही आपका सामान आप कितने भी अच्छे से पैक करके लेकर के आओ, कितने भी महंगे आप ट्रांसपोर्ट वाले भैया हैं उनको बुक करो, या जो भी आप मूव वजन पैकर्स बुक कर लो, आपका सामान में कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो चीज़ होता ही है, ये हमने भी एक्सपीरियंस कर लिया। एंड वी वर लाइक कि चलो अच्छा है हमारे पास कुछ भी महंगा सामान नहीं है तो हमको इतना दुख नहीं हुआ, और जो छोटी मोटी चीज़ें हुई भी हैं, डैमेज हुआ है, डेफिनेटली हुआ है डैमेज, बट बहुत छोटा मोटा है वाइट फर्नीचर का, बट ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा यार, अभी विक्की ने पूछा अभी क्या करना है, तो मैंने बोला अभी नहीं लेते हैं क्योंकि अभी कोई सेंस नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है इतनी यहाँ पर भी कुछ लेने का, फर्नीचर बढ़ाने का अननेसेसरी, क्योंकि अभी टाइम ही देख रहे हो कितना अनसर्टेन चल रहा है, चीज़ स्किप कर दिया प्लान। तो अब यहाँ के लिए हमने भी थोड़े दिन पहले एक और चीज़ देखी थी, हमको सस्ता, हमने 5,000 का बजट लेकर के रखे हैं इधर के लिए कुछ करने के लिए, बट अभी ये लॉकडाउन हो गया तो ठीक है कोई बात नहीं, अब हमारे पास सिर्फ ये एक ही इस तरह का गद्दा है, इसी को थोड़ा बिछा करके थोड़ा ये एरिया ठीक कर देते हैं, बिकॉज इट लिटरली इट लुक्स लाइक अ स्टोर रूम, ये स्टोर रूम की तरह लगता है और यहाँ पर आने का भी मेरा मन नहीं करता, तो विक्की यहाँ पर काम करता है तो उसके लिए थोड़ा सा इसको ठीक करूंगी आज मैं इसका काम करती हूँ, जो भी हमारे पास सामान ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी से इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये यहाँ पर सामान सारा ऑर्डर कर रहा है डीमार्ट से। तो मैंने अपने वीडियो में लास्ट वीडियो में आई थिंक बोला था कि मैं अपने प्लान्स का सीक्रेट आपको बताऊंगी। सो देर आर 2 थिंग्स जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है प्लांट्स की केयर के लिए। सब मुझसे पूछते हैं आप कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करते हो उसमें, तो देर इज़ नो स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र जो मैं ऐड करती हूँ, मैं नॉर्मली जो मार्केट में मुझे मिलता है जो भैया दे देते हैं वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। उस घर में धूप वगैरह नहीं आती थी, मैं काफ़ी स्ट्रगल भी करती थी प्लांट्स के साथ पहले,
बट लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि मेरे प्लांट्स बहुत अच्छा कर रहे थे, और सिर्फ अभी मैंने लिटरली बता रही हूँ इतने महीनों में, अभी एक बार जो मैंने वीडियो में दिखाया था ना उसमें सिर्फ एक बार मैंने फर्टिलाइजर ऐड किया है, उसके पहले तक मैंने फर्टिलाइजर भी ऐड नहीं किया था। सो व्हाट इज़ अ मेन पॉइंट प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, चाहे आपके यहाँ सनलाइट आए चाहे आपके यहाँ सनलाइट नहीं आए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जिस तरह से आप किसी छोटे से एनिमल को लेकर के आते हो या आपके घर में एक छोटे बच्चे को लेकर के आते हो, बच्चा होता है जिनके घरों में या जिनके एनिमल्स होते हैं, वो लोग क्या कोशिश करते हैं कि अपने घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखें। अगर पॉजिटिव एंड हैप्पी एनवायरनमेंट होगा तो वही नेचर और वही चीज़ें उनके बच्चों में भी आती है ना, और वही चीज़ उनके एनिमल्स में भी आती है। देखते होंगे ना कुछ लोगों के एनिमल्स बहुत हैप्पी एंड बहुत खुश रहते हैं और कुछ के एनिमल्स एकदम सैड सैड दुखी दुखी से रहते हैं, सेम विद किड्स एज वेल, है ना। तो आपको प्लांट्स को भी इसी तरीके से ट्रीट करना होगा। अगर आपके घर का एनवायरनमेंट एंड ऑरा बहुत हैप्पी एंड पॉजिटिव रहेगा, आपके प्लांट्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा करेंगे, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली दिन भर के 5 से 10 मिनट आप उनको देखिए, ऑब्जर्व करिए, कोई आपको लगता है कि किसी प्लांट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको फिगर आउट करने की कोशिश करिए, उसकी जो मिट्टी है वो निकाल के देखिए, टच करके फिंगर डाल के देखिए ओवर वाटरिंग हो रही है या ज़्यादा ड्राई हो गया है, किस वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा है या ज़्यादा धूप लग रही है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है। अब तो मैं यही बोल रही थी कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड एटमॉस्फियर फॉर योर प्लांट्स एज वेल। आई डोंट नो आप लोग मानते हो नहीं मानते, बट हम लोग ये मानते हैं कि अपन लोगों ने ये उन लोगों को भी बताया था ना, जो हमारे फ्रेंड्स थे हमने उनको भी ये सेम चीज़ बताई थी, वो लोग भी यही क्वेश्चन करते थे कि हम कोई सा भी प्लांट लेकर के आए, ये ट्रिक एक्चुअली में वर्क करती है, आप ट्राई करके देखना, उसके अलावा कुछ सीक्रेट नहीं है। मैं आपको एक और ये चीज़ बताती हूँ छोटी सी, हम लोगों ने क्या करके रखा है ना, सारे ये जो प्लांट्स हैं क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब पानी डालते हो तो नीचे ना मिट्टी या कोकोपीट तो नहीं होती लेकिन अगर मिट्टी रहती है ना तो वो कलेक्ट हो जाती है जम जाती है, एंड उससे क्या होता है कि आपको लगता है कि नीचे पानी तो जा रहा है बट जो नीचे रूट्स होती है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो समटाइम्स उससे भी वो अच्छे ग्रो नहीं करते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसी बैम्बू स्टिक है, आप या तो बैम्बू स्टिक यूज़ कर लीजिए या कोई भी लकड़ी यूज़ कर लीजिए, एंड इस तरह से मैंने इसको इसमें डाल के यहाँ पर ऐसे फिट करके रखा है। ये देखिए यहाँ पर भी है, इनफैक्ट इधर पर भी है, ये छोटी दिख रही है आपको, ये छोटी सी ये है, उसके बाद ये यहाँ पर लगी हुई है ना। ऐसे मेरे सब प्लांट्स में आपको छोटी छोटी बैम्बू स्टिक्स जो हैं लकड़ी जैसी लगेगी, ये लगी हुई है छोटी सी, तो ऐसे लगा करके मैंने रखी हुई है। यहाँ पर ये लगी हुई है बैम्बू स्टिक लगी हुई है, ये देखिए तुलसी जी में लगी हुई है, तो ऐसे हमारे यहाँ सब प्लांट्स में बैम्बू स्टिक्स जो हैं वो लगी हैं, सो दैट जो पानी होता है ना वो प्रॉपर नीचे तक जाता है। उसके बाद अगर आप समर्स में पानी दे रहे हैं, जैसे अभी आपको पानी थोड़ा रेशो जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, मैं यूजुअली एक टाइम ही पहले पानी देती थी नहीं तो ओवर वाटरिंग हो जाती थी, बट क्योंकि अभी हम यहाँ पर हैं और सनलाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आती है तो मैं अभी शाम को भी 6-6:30 के बीच में प्रॉपरली थोड़ा बहुत पानी डालती हूँ, तब वो जा करके सही रहते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं शाम को पानी नहीं डालती ना तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक इन सबकी जो लीव्स हैं वो एकदम ऐसे मुरझा जाती हैं, तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके एरिया में कैसे वर्क करता है। हो सकता है आपके सनलाइट नहीं आती होगी एंड एक ही बार के पानी में आपका काम चल जाएगा, तो ये हमने यहाँ आके ये पैटर्न निकाला है, 2 बार पानी डालेगा, अदरवाइज हमको पहले कभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपके प्लांट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं ऑल। विक्की ने अभी क्या किया है, मैंने जो पिछले घर के लिए बर्ड हाउस बनाया था ना वो उसने ला करके यहाँ पर लगा दिया है, और ये बहुत सुंदर लग रहा है, कलरफुल एंड बहुत सुंदर लग रहा है। हे गाइस, तो मैं आप लोगों से डायरेक्टली मिल रही हूँ आफ्टर 6 डेज। सो एक्चुअली आप वीडियो में तो मुझे कंटिन्यूस देख रहे हैं, बट मैं जो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था उसको आप अभी देख रहे हैं 6 डेज के बाद, मैं अभी शूट कर रही हूँ 1 हफ्ते के बाद ऑलमोस्ट। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मैं आपको स्टोरी बताती हूँ शॉर्ट में, ऐसे तो मैं अपने चैनल पर बहुत इस तरह की बातें नहीं करती हूँ जो भी चल रहा है, बट अभी मैं जो कुछ बताने वाली हूँ थोड़ी सी वार्निंग मैं आपको दे देती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको ये सुन करके आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी तो वीडियो जो है वो यहीं पर ही स्टॉप कर सकते हैं। सो एक्चुअली हुआ ये था कि मैं एकदम नॉर्मली, आई थिंक फ्राइडे की बात है, फ्राइडे या सैटरडे में से किसी दिन की बात है, तो हम लोग जैसे नॉर्मल अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मैंने अपना व्लॉग प्रॉपरली ऐसे स्टार्ट वगैरह कर दिया था, एक नॉर्मल दिन चल रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सुन रहे थे, बट जो भी चीज़ें मैं सुनती हूँ ना वो 1 या 2 घंटे तक मेरे दिमाग में रहती है, उसके बाद वो मेरे दिमाग से निकल जाती है। सब सुन नहीं रहे थे सारी चीज़ें कि किसी के घर पे ये हो गया है, किसी का ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीज़ें हम सुन रहे थे।
फिर उसके बाद मैंने ना एक पोस्ट डाला था, उस दिन मैं बड़ी हैप्पी पॉजिटिव इसलिए थी क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मिसेज आरती दी है, उनको मैं दीदी करके बोलती हूँ, भोपाल की हैं वो, तो उन्होंने ना बहुत अच्छी चीज़ मेरे साथ शेयर करी थी। उनकी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई थी, उनके काफ़ी लंग्स भी डैमेज हुए थे, उन्होंने मुझे यही बताया, उन्होंने अपना प्रॉपर अपनी फ़ोटो वगैरह सब कुछ शेयर करी, उन्होंने बताया कि तुम लोगों को ये चीज़ मोटिवेट करो कि वो लोग डरे नहीं, जो लोग डर जाते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, आप थोड़े पॉजिटिव रहिए, हिम्मत रखिए रखिए। तो मेरे अंदर बहुत अच्छा उस दिन मेरा दिन हो गया था, पॉजिटिविटी आ गई थी, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके भी बोला, बहुत सारे लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लिया, रीशेयर किया, है ना, थोड़ा पॉजिटिविटी वाला कुछ आ गया था उस दिन दिमाग में। तो मैंने अपने, होता है यूजुअली मैं फ्लावर्स वगैरह की अच्छी फोटो वोटो लेती हूँ और अच्छे कोटेशंस डाल देती हूँ, तो मैंने ये चीज़ अपने व्हाट्सएप जो मेरा पर्सनल नंबर है उस पर भी डाल करके रखा था। एंड अराउंड 6 और 6:30 शाम की बात है, मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ 6:30 से, तो मैं पूरा भजन वजन लगा करके, होता ना शाम का टाइम सेट कर लेना, माहौल सेट कर लेना, वैसे करा और मुझे आई गॉट ऑन दैट पॉजिटिव नोट के ऊपर मेरे पास मैसेज आता है मेरी बेस्ट फ्रेंड का, आपने उसको मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को अपने व्लॉग्स में लेके आ चुकी हूँ, तो उसको भी आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा आई एम श्योर। सो उसने मुझे मैसेज किया कि ये सब कुछ नहीं होता है, उसने अपने हस्बैंड का नाम लिखा एंड लिखा डाइड ऑफ कोविड। एंड मैंने आधे घंटे बाद 7 बजे मोबाइल ओपन करके देखा, 6 to 6:30 उसे मैसेज किया था, एंड जैसे ही मैंने वो मोबाइल ओपन करके देखा आई वॉज शॉक्ड, शॉक्ड मतलब शॉक नहीं हो जाते चक्कर जैसा आने लगता है, वैसे शॉक हो गई थी मैं, और मैं बेड पे आकर के बैठ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को कॉल लगाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कॉल लगाया एंड शी टोल्ड मी कि यस ऐसा ऐसा हो गया है, और मैंने पूछा उससे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि 12 लास्ट हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ था वो 12 अप्रैल का हुआ था, तब तक मुझे ये चीज़ पता थी कि उसकी सारी फैमिली कोविड पॉजिटिव है, इंक्लूडिंग हर पेरेंट्स और जो लड़के के पेरेंट्स हैं मतलब इन लॉज वाली फैमिली, पूरे लोग कोविड पॉजिटिव हैं, और ऑलरेडी उस चीज़ को 6 डेज हो चुके थे, तो मैं ऐसा होता ना अपडेट लेते हैं, हाँ मैंने बोला अरे बस 6 दिन की और बात है फिर तो सब ठीक हो जाएंगे टेंशन मत ले, तो इतनी हमारी बात हुई थी। एंड तब उसने मुझे ज़रूरी बताया था उसके हस्बैंड के बारे में कि वो काफ़ी कफिंग हो रही है उसकी, बहुत बेसिक सा उस टाइम पे बात हुआ, और क्योंकि ऑब्वियसली भी वो भी इतना काम वाम में बिजी थी, तब मुझे लगा काफ़ी दिन हो गए सब ठीक हो गया होगा, मेरे से भी ये मिस्टेक हो गई कि मैंने अपडेट नहीं लिया उससे। एंड उसके बाद जब मेरी कॉल पर बात हुई, मैंने पूछा कैसे हो गया, क्या मतलब ये सिचुएशन यहाँ कैसे पहुँच गई, तो शी टोल्ड मी कि जो उसका हस्बैंड है उसके पापा एंड उसकी दादी को कोविड हुआ था, तो इन्होंने सोचा कि इन्होंने रेस्ट नहीं लिया एंड ही वॉज यू नो कंटिन्यूसली हॉस्पिटल, इधर एडमिट कराना उधर एडमिट लगाना करवाना, एक्जर्शन बहुत ज़्यादा बॉडी में ले लिया है एंड ही वॉज ऑन वेंटिलेटर फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 6-7 डेज, और वो सुन के मेरे को अभी भी ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं बता नहीं पा रही हूँ, ही वॉज ऑन वेंटिलेटर एंड उनके 90% या 100% लंग्स जो है वो डैमेज हो चुके थे। तो वो मुझे बोली, कहती है कि मैं 10 दिन तक हॉस्पिटल में थी, कोविड वार्ड में जाती थी, 10 दिन कार के अंदर सोई है, पानी पिलाने जाती थी, मतलब उसने हर वो कोशिश करी और पॉजिटिविटी रखी अंदर कि वो वापस लेकर के जाएगी उनको, बट वो हो गया। एंड उसके शायद एक दिन पहले उसके फादर इन लॉ भी ख़त्म हो चुके थे और उसके एक दिन पहले उनकी दादी भी ख़त्म हो चुकी, तो तीन जो डेथ्स हैं वो बैक टू बैक हुआ, और मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे उसको कंसोल करने के, मैंने सिर्फ सुन लिया और मैंने सिर्फ उसको इतना बोला कि चल ठीक है मैं तेरे को लगाती हूँ फोन, बस इतना बोल के, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं था, मैं इतनी ज़्यादा शॉक स्टेट में थी कि मैंने उस टाइम ना खाना बनाया ना कुछ बनाया, मैंने अपनी मम्मी को कॉल लगाया और मम्मी को बताया, मेरी मम्मी खुद बहुत शॉक हो गई थी, हम सब बहुत मतलब बहुत शॉक स्टेट में थी, मैं उस दिन नाम बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, तो मैं सोई भी बहुत, 3-4 बार मेरी रात में नींद खुली, तो आई वॉज टोटली, मेरा मेंटल स्टेट इस लेवल का हिला हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका क्या हाल हो रहा होगा। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने उसको मैसेज किया, क्योंकि उसके पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैंने उसको मैसेज किया कि अंकल की तबीयत कैसी है, कुछ भी देर को हेल्प चाहिए हो भोपाल में तो मुझे ज़रूर बता देना। एंड देन शी मैसेज मी कि क्या हेल्प, माई फादर पास्ड अवे लास्ट नाइट, और उसके बाद तो मैंने अपना मोबाइल छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं इसको क्या बोलूँ, ये स्टेट मेरे को अभी भी ना अंदर से मेरा हार्ट बीट ऐसे ऐसे होने लग गया फिर से। तो इस ये सिचुएशन हुआ उस टाइम पे मेरे सामने, तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्या कंसोल करूँ, मैं उसको क्या बोलूँ,
कैसे उसको समझाऊं, मुझे ये बुरा लग रहा था. शी वॉज ऑफ ऑब्वियसली माई एज, मेरे टाइप की है वो. मुझे ये बहुत अच्छे से पता था कि वो ना तो अपनी मदर इन लॉ के सामने रो रही होगी, ना वो अपनी मदर के सामने रो रही होगी. तो मैं उससे बात करती रहती हूँ ताकि वो अपने अंदर की चीज़ें सब थोड़ा निकाले. वो रोई भी नहीं होगी आई एम श्योर किसी के भी सामने खुल करके अभी तक. एंड किसके सामने रोएगी मतलब. तो सिचुएशन वॉज नॉट गुड एंड आई वॉज नॉट स्टेबल. मैं अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पा रही थी. मुझे बार 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 वही थाट्स आ रहे थे. इसलिए मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि मैं अभी थोड़ा ब्रेक लेती हूँ 4-5 दिन का, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा स्टेबल एंड काम कर पाऊँ. मैं नहीं, मुझे, मैं कुछ भी काम करने जा रही थी तो मुझे वही चीज़ें याद आ रही थी. तो इसलिए मैं नहीं वीडियोज़ बना रही थी. एंड आई एम श्योर, और ये तो केस मतलब मेरे लाइफ का, ऐसे मेरे को जब भी मैं याद करूँगी तो मेरे को, मेरी आवाज़ रड़खड़ाएगी, मेरे को गूज़बम्स आएंगे. ये वैसा वाला केस है. तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी वो उसके जो स्टेटमेंट, जब वो मैसेज पे हम लोग बातें करते हैं, कॉल पे तो हम नहीं बात करते हैं क्योंकि नहीं बात कर पाएगी ना वो, कर पाएगी ना मैं उसको कुछ बोल पाऊँगी. तो हम मैसेज पे कनेक्टेड रहते हैं. मैं उसको कुछ भी एक मैसेज करती हूँ तो उसका, ताकि वो थोड़ा बाहर निकाले अपने अंदर का. तो वो बोलती है कि मेरे एज की, हम लोग 30 के हैं, वो भी 30, आई एम 30 एज वेल. तो हमारी एक्चुअली में बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई है एंड इसके साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं. तो मेरे पास कोई आंसर नहीं होता उसको देने के लिए. परसों के दिन मेरी जब बात हुई तो मैं और उससे निकलवाने की कोशिश कर रही थी. वो मुझे यही सुना रही थी, उसने सब कुछ किया, नहीं बचा पाए वो लोग. उसके जस्ट 2-3 दिन बाद मैं थोड़ा नॉर्मल फील कर ही थी कि मुझे विक्की के, जहाँ पे विक्की का मतलब घर है ना, भोपाल वाला इन लॉज का घर है, उनके साइड में नेबर्स हैं, उनकी एक बहुत हॉरिफाइंग स्टोरी मुझे पता चल गई, विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज ऑब्वियसली. बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा मुझे कि जो लोग, और जब मैं अभी भी ऐसे लोगों को देखती हूँ कि लोग कोविड को अभी भी मजाक ले रखे हैं या नीचे वॉक करने के लिए आते हैं. मुंबई में हमारी बिल्डिंग में नीचे लोग वॉक करने निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं. भले ही वो मास्क पहनते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, वो मास्क नहीं पहनते, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं. जस्ट इमेजिन कि ये जो 1 या 2 या 5 लोग अभी निकल रहे हैं, इसी तरह से एक बिल्डिंग में 20 families रहती हैं. ये 20 families अगर निकल चली जाएंगी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे तो क्या होगा फिर. तो मुझे यही नहीं समझ में आता कि लोग अभी भी इसको इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं. भोपाल की सिचुएशन इज हॉरिफाइंग, लिटरली हॉरिफाइंग. हमको डेली, हम बिलीव नहीं कर पाते हैं, ऐसे हमको झटके मिलते हैं कि ये खत्म हो गए, वो खत्म हो गए, हमको सीधे डेथ सुनने को मिल रही है. तो बस मुझे यही बोलना था, अपना ध्यान रखिए, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए. एंड यस, ये जो वीडियो है ना, मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. मैं कल से मतलब संडे से मैं वापस से बैक टू नॉर्मल रूटीन में आऊँगी. अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ. मैंने योगा, तो मतलब मैंने बहुत सुबह शाम दोनों टाइम में योगा करने लगी थी और बहुत भजन सुने मैंने. बहुत हर कभी जब मेरा मन भारी होता है मैं भजन लगा लेती हूँ, तो उससे मैं थोड़ी नॉर्मल हो पाई हूँ अभी. एंड यस, मैं संडे से नॉर्मल अपने बैक टू रूटीन में आ जाऊँगी. आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.